साल में 4 गो वार्ड सभा करना है और उसमें ये तय करना है कि कौन व्यक्ति सब किसका सबसे पहले घर बनना चाहिए, किसको पेंशन मिलना चाहिए। वो शिकायत नहीं आने देंगे, आने का मौका भी नहीं देंगे। प्राथमिकता कौन तय करेगी? पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार है भैया, सबसे बड़ा अधिकार पब्लिक का है, जान लीजिए। छू चुनाव में जान रखम मुखिया मनमानी कर लो, सेटा तो होते नहीं ना। वो सहन कर ले, हमने विरोध कर क्या है। ग्रामीण टीवी का वार्ड सदस्य भाई लोग, आप लोग देख लीजिए, इतना नहीं सुनेंगे। आपके वार्ड में शिकायत तो नहीं आएगी ना कि कोई अधीर व्यक्ति ये नहीं ना कहेगा कि हमको पेंशन नहीं मिला, हमको घर। ये देखिए, दीनाबंधु रजवार जी उप मुखिया बने हैं हमारे बाधाडी पंचायत के, और ये देखिए लोग इनको फूलों का हार पहना रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इस बार जो है कि नए सिरे से मुखिया उप मुखिया वार्ड, आप भी पहले वार्ड रहे, आप भी पंचायत के जो भी विकास से या पंचायत की स्थिति से भली भांति वाकिफ रहे, तो क्या कहना है आपका? जानता है हमका दोबारा चांस दे लो, पहले वार्ड मेंबर हो लिए, उसके बाद दूसरा भी जानते हैं चांस दे लो वार्ड मेंबर, तो उठा से हमें उप मुखिया बनो लिए। उठा से अभी तो जो काम होते जो 5 साल करो लिए और से ज़्यादा करे कर कोशिश से हमें ही है। मैंने जो काम हुए मैंने 5 साल जो करल है, जो विश्वास लोग के प्रति जागल है, मैंने वो विश्वास और बेहतर होता है। चलिए, ये है जीवन रजवार जी, काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, पहले राजनीतिक में भी रहे हैं, फिलहाल गांव का एक सदस्य है, वार्ड सदस्य जो है कि उप मुखिया बने, क्या कहिएगा इसके लिए? बहुत बहुत दीनाबंधु को बधाई। अच्छा, उप मुखिया बने बाधाडी पंचायत के दीनाबंधु रजवार, इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आप कुछ बोलिए। देखिए, ये भी काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और इनका लालू मोदी कोड़ा नाम है, और हमेशा पंचायत में जो लोगों का सहयोग रहा है, इन्होंने बहुत भरपूर करने की कोशिश की है हमेशा, और ये मैंने हम क्या कह सकते हैं, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। लालू जी, दीनाबंधु जी उप मुखिया बने, लगता है कि जो भी पंचायत का जो भी विकास कार्य है वो है, उसमें कुछ सुधार आएगा इस बार? हाँ, अगले बार से तो सुधार आएगा, इसलिए कि हमारे दीनबंधु जी के जो उप मुखिया के रूप में हम लोग वार्ड मेंबर सभी ने मिलकर चुनाव किया है, तो इसके पहले भी वार्ड मेंबर के रूप में थे और उस समय भी काम अपना स्तर से जितना भी हो अच्छा से ही किया है, और उसी को देखते हुए सभी वार्ड अपने जनता लोग ने उनको वार्ड को चुना। मैंने कुल मिलाकर ये कहिए ना कि इनको काम का अनुभव है, और ये अगर चाहेंगे तो पंचायत का बेहतरी के लिए काम कर। हाँ, अगले आगे से भी अच्छा काम करने का उम्मीद लेकर वो आए हैं। और वार्ड मेंबर साहब किधर गए? पंचायती राज व्यवस्था में अगर अधिकार अगर आपको लेना है तो आपका वार्ड मेंबर सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप अधिकार डायरेक्ट मुखिया से आप मांगेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं जैसी व्यवस्था है, लेकिन एक वार्ड मेंबर को बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने वार्ड का विकास कैसे करेगा। तो हमारे साथ में और खास करके ग्रामीण टीवी का जो वार्ड सदस्य हैं बिशन मोदी कोड़ा जी, वो मेरे साथ हैं। आज बताओ दादा, की कहला चाहे, विकास तो कर लो तू। हम बाधाडी पंचायत के 8 नंबर वार्ड के 8 नंबर के वार्ड सदस्य लगिए। एक और में हमने जितना ये सब मिलके दीनबंधु के उप मुखिया चुन लिए, ओकर सहयोग करके ओकर संगे हमें अपन जैसन कि आप बल्कि अपन वार्ड नहीं, हमर जितना भी वार्ड है सबके साथ लेके सब वार्ड है देखना है, हमर अपनों वार्ड के और बाकी जो वार्ड है सब वार्ड एक संग मिल के काम करना है। लेकिन विकास तो थोड़ी कर रहे हो तो अपन विकास सब मिलजुल के सब दिन करबो, ककर वार्ड ना हो उठो देखना है, हमर अपन का खाली देखना ना है, सबके देखना है। तो ये आप ये मुखर आवाज़, ये जो विवेक, ये जो बुद्धि आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण टीवी का वार्ड सदस्य है और जिस जगह पे हम रहते हैं वहीं के वार्ड सदस्य है, ये मेरा वार्ड सदस्य है, मेरी भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो इन्हीं से साइन करवाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि वार्ड मेंबर को साल में 4 गो वार्ड सभा करना है और उसमें ये तय करना है कि कौन व्यक्ति सब किसका सबसे पहले घर बनना चाहिए, किसको पेंशन मिलना चाहिए। वो शिकायत नहीं आने देंगे, आने का मौका भी नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे किनका हुआ नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको पहले देखेंगे। तो प्राथमिकता कौन तय करेगी?
पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार है भैया, सबसे बड़ा अधिकार पब्लिक का है, जान लीजिए। और जब वार्ड सभा होगा वहाँ तय होगा, पब्लिक तय करेगा कि घर किनका पहले बनेगा, कि इस वार्ड में घर सबसे पहले किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस वार्ड में सबसे पहले पेंशन किसको मिलना चाहिए, इस वार्ड में सबसे पहले कौन सा जगह काम होना चाहिए। यानी पंचायत में अगर 1 लाख रुपया आता है और 10 वार्ड है तो हर वार्ड का 10,000 अधिकार होता है। वार्ड मेंबर अपना विवेक में अगर चाहता है कि पंचायत में किसी वार्ड में ज़रूरी है तो वहां जाके वो काम को अपनी सहमति दे सकते हैं करवाने के लिए। लेकिन एगो बात है कि पेछू चुनाव में जान रखम मुखिया मनमानी कर लो, सेटा तो होते नहीं ना। वो सहन कर ले, हमने विरोध कर लिया। चलिए, यह है ग्रामीण टीवी का वार्ड सदस्य भाई लोग, आप लोग देख लीजिए, वैसा करने से ये विरोध करेंगे। और अभी से अगर आवाज़ बुलंद है, आने वाले समय में देखेंगे कि ये कितना खरा उतरते हैं। दीनाबंधु जी, हाँ आप भी हैं, आपका शुभ नाम क्या हो बताइए? मनोज जिबावरी, और वार्ड मेरा 6 है और हरगुड़ा है मेरा ग्राम, और बाधाड़ी पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं। विकास की जिम्मेवारी आप जैसे वार्ड सदस्यों का कंधों पर है। विकास की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को ही रहती है, और हम लोग चाहते हैं कि सभी वार्ड का विकास हो, अकेले एक वार्ड का नहीं। और पहले जो 7 साल पहले जो बीते हैं उसमें जो जिस तरह का काम किए हैं मुखिया प्रत्याशी जो काम किए, मुखिया जी काम किए हैं, वार्ड जी का कार्य किए हैं, वैसा काम को नहीं करना है। हम लोग को मिलजुल के काम करना है और सभी पूरे पंचायत का चौमुखी हम उतना नहीं सुनेंगे। आपके वार्ड में शिकायत तो नहीं आएगी ना, नहीं, कि नहीं, कोई अधीर व्यक्ति ये नहीं ना कहेगा कि हमको पेंशन नहीं मिला, हमको घर नहीं मिला। पहली प्राथमिकता उसके लिए आप लोग सब एकता बना के रखेंगे ना, बना के रखेंगे। सभी वार्ड जितने भी हैं बाधाटी पंचायत के अंतर्गत 13 वार्ड हैं, तो सभी मिल कर ये कहेंगे कि किसी भी वार्ड का कोई मतलब किसी व्यक्ति का पेंशन का हो चाहे कोई भी जरूरती हो उसको जरूरत को पूरा किया जाएगा, और उसमें इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं आना चाहिए। भेदभाव नहीं, चलिए भेदभाव जाति पात नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले आप तमाम ग्रामीण टीवी को देखने वाले, लाइक करने वाले, पसंद करने वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर विकास चाहना विकास करवाना है, अगर कोई ज़रूरतमंद का अगर नहीं विकास हो रहा है, उस तक विकास नहीं पहुंच रहा है, तो उसका जिम्मेवार इस तरह के वार्ड सदस्य होंगे। इसीलिए आप लोग अपने अपने वार्ड को जो भी है उनसे आप बात कीजिए, अपनी समस्या सुनाइए, और उसे कहिए कि साल में जो आपको वार्ड सभा करने की जो पावर है, अपने पास डायरी रखने की पावर है, उसको आप निरंतर करते रहें। इसी के साथ मैं ही लेता हूँ विदा आप लोगों के साथ, एक बार प्यार से जय झारखंड ग्रामीण टीवी के लिए।